स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो हम लोग कर रहे थे शिक्षण विधियां। आज हमारा जो चैप्टर है नेक्स्ट, वो है आपका प्रक्षा आनुभाविक साक्ष्य। तो ये टॉपिक जो है वो ये भी इजी टॉपिक है, इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं, पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि वहां से प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और इस टॉपिक में से एक प्रश्न जो है वो आपका आएगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे कि ये पता लग जाएगा कि इस टॉपिक में से किस टाइप के प्रश्न जो है वो आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रक्षा, प्रक्षा प्रतिमान। देखिए, प्रक्षा प्रतिमान यानी कि पूछताछ, ठीक है। इसका अर्थ होता है पूछताछ, यानी कि बच्चों में पूछने की जो कला है उसको, उसका विकास करना, उस कौशल का विकास करना, जिससे बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो पूछने की प्रवृत्ति उनमें आ सके। देखिए, प्रक्षा प्रतिमान का जो प्रतिपादन है वो 1962 में रिचर्ड सचमैन ने किया था, जो कि अमेरिका के थे। तो ये सीधे का सीधा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रक्षा प्रतिमान का प्रतिपादन जो है वह किसने किया था। तो किसने किया था? रिचर्ड सचमैन ने किया था। डेट आपको याद रखनी है, कब किया था? 1962 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रक्षा प्रतिमान के लिए जब रिचर्ड सचमैन ने सबसे पहले जिसका प्रतिपादन किया था, तो उन्होंने सबसे पहले वर्क जो है वो भौतिक विज्ञान के शिक्षण हेतु किया था, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो हम केवल वही चीज करेंगे जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होगी, आपके एग्जाम के लिए काम में आपके आएगी। तो इनमें से तीन प्रश्न जो है वो आपके सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। कौन से पूछे जा सकते हैं? कि प्रक्षा प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? रिचर्ड सचमैन ने किया। कब किया? 1962 में किया, ठीक है। और किस शिक्षण हेतु किया? भौतिक विज्ञान के शिक्षण हेतु उन्होंने इसका प्रयोग किया, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब प्रक्षा प्रतिमान, जैसा कि मैंने बताया, इसका अर्थ होता है पूछताछ, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ करने के कौशल का विकास करना, ठीक है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ढंग से क्या करना? पूछताछ के कौशल का विकास करना। उसके बाद खोज, तर्क, तथ्यों का संकलन यानी तथ्यों को इकट्ठा करना, और ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड है, इनको ही आप कैच करने की कोशिश करें। यही ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में आपके पूछ लिए जाएंगे। आपके चार ऑप्शन में ये सभी दे दिए जाएंगे। इसके अलावा सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? क्योंकि इसमें खोज होती है। अब खोज होती है तो यानी कि सृजनात्मकता है, उसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। सृजनात्मकता यानी कि हर चीज को नए तरीके से तैयार करना, ठीक है। तो सृजनात्मक अनुसंधान पर यह आधारित है। उसके बाद प्रक्षा प्रतिमान जो है उसका चक्र देख लेते हैं। सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है, ठीक है। कोई भी समस्या होती है उसका हम क्या करते हैं? चयन कर लेते हैं। चयन करने के बाद समस्या का स्पष्टीकरण किया जाता है कि समस्या जो है वो क्या है, और समस्या जो है वो क्या कहना चाहती है, और इस समस्या के ऊपर हम जो भी पूछताछ की क्रिया है, जो भी खोज है, जो भी अनुसंधान करेंगे, तो वो किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हम उसका स्पष्टीकरण करते हैं। नेक्स्ट है, अब हमने जब समस्या का स्पष्टीकरण कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका समाधान हेतु प्रयास करेंगे। समाधान हेतु प्रयास करने के बाद आप क्या करेंगे? सूचनाओं को एकत्रीकरण करेंगे, यानी कि क्या करेंगे? तथ्यों का संकलन करेंगे। उसके बाद आप पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे। तो ये आपको स्टेप जो है वो ऐसे के ऐसे ही याद होने चाहिए। सबसे फर्स्ट है समस्या का चयन, सेकंड है समस्या का स्पष्टीकरण, थर्ड है समाधान हेतु प्रयास, फोर्थ है सूचनाओं का एकत्रीकरण, और फाइव है पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। क्या होगा? सबसे पहले समस्या का चयन होगा, फिर स्पष्टीकरण होगा, उसके बाद आप समाधान हेतु प्रयास करेंगे, फिर सूचनाओं का एकत्रीकरण करेंगे, और लास्ट में आप क्या करेंगे? पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। ये किसके हैं? ये है प्रक्षा प्रतिमान का चक्र।
अब हमने प्रक्षा प्रतिमान यानी पूछताछ की प्रक्रिया है उसको हमने पढ़ लिया। ये दूसरा टॉपिक है आपका आनुभाविक साक्ष्य। आनुभाविक साक्ष्य यानी कि अनुभव के आधार पर साक्ष्य, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ समझते हैं, जो अनुभव तथा अवलोकन पर आधारित हो, जो अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस पर आधारित हो और अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन पर आधारित हो और अवलोकन द्वारा ही सही या गलत साबित किया जा सके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जिस तरीके से हमने प्रक्षा प्रतिमान का चक्र देखा, तो अनुभाविक साक्ष्य का जो चक्र है वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले है अवलोकन। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। अवलोकन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे अवलोकन का अर्थ होता है तथ्यों का एकत्रीकरण, ठीक है। अवलोकन वर्ड ना देकर अगर फर्स्ट स्टेप तथ्यों का एकत्रीकरण दे दिया जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। अवलोकन का अर्थ होता है तथ्यों का एकत्रीकरण। ठीक है, तथ्यों का एकत्रीकरण करना, यहाँ हम आनुभाविक साक्ष्य की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है आगमन। अब आगमन क्या होता है, आगमन होता है परिकल्पना का निर्धारण। क्या होता है, परिकल्पना का निर्धारण, ठीक है। परिकल्पना का निर्धारण यानी कि काल्पनिक रूपरेखा बनाना। हम अपने माइंड में जो काल्पनिक रूपरेखा है वो बनाते हैं उस समस्या से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, अवलोकन किया यानी तथ्यों का एकत्रीकरण किया। उसके बाद हमने क्या किया, आगमन। आगमन यानी कि हमने परिकल्पना का निर्धारण किया, हमारे माइंड में जो भी कल्पनाएं थी उस तरीके से हमने सोचा, यानी कि काल्पनिक रूप से हमने क्या किया उनका, काल्पनिक रूप से उनको क्या किया हमने, काल्पनिक रूप से उसकी जो रूपरेखा है वो हमने अपने माइंड में बना ली, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है निगमन। अब निगमन का अर्थ होता है यानी परिकल्पना का आपने निर्धारण कर लिया, उसके बाद परिकल्पना का क्या करेंगे, परिणाम निकालेंगे, ठीक है। परिकल्पना जो भी आपने रूपरेखा बनाई है उसका क्या करेंगे, परिणाम निकालेंगे, परिणाम निकालना, ठीक है। उसके बाद है आपका परीक्षण। जब आपने परिकल्पना का निर्धारण कर लिया, परिकल्पना का परिणाम निकाल लिया, फिर आप आते हैं परीक्षण पर। परीक्षण के अंदर क्या होगा कि अनुभव सामग्री के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा, ठीक है। अब हम अनुभव की बात कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, अवलोकन के आधार पर तथ्यों का एकत्रीकरण किया, उसके बाद हमने क्या किया, परिकल्पना का निर्धारण किया, हमने रूपरेखा बनाई अपने माइंड में, उसके बाद हमने परिकल्पना का क्या किया, परिणाम निकाला, निगमन, उसे निगमन कहा गया, ठीक है। फिर हमने परीक्षण यानी कि अनुभव सामग्री के आधार पर हमने क्या किया, विश्लेषण किया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अनुभव सामग्री के आधार पर विश्लेषण, ठीक है। लास्ट में हम मूल्यांकन पर पहुंचते हैं, इवैल्यूएशन पर पहुंचते हैं। मूल्यांकन में क्या किया हमने, देखिए फिर हम अवलोकन और अनुभव इन दोनों के आधार पर हम क्या करते हैं, सही और गलत साबित कर लेते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके आनुभाविक साक्ष्य। उसके बाद देखिए प्रक्षा प्रतिमान और आनुभाविक साक्ष्य, इसके क्या गुण हो सकते हैं, इससे विद्यार्थियों में क्या गुण हो सकते हैं, ठीक है। गुण क्या है इसका, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। बालक जो है वो व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति करना सीख जाता है, क्योंकि वह क्या करता है, खुद पूछने के कौशल का विकास होता है उसके, खुद अपने एक्सपीरियंस के आधार पर तथ्यों को एकत्रित करता है, उसकी जो जो भी उसके काल्पनिक तथ्य है, काल्पनिक जो भी रूपरेखा है उनका विकास होता है, यानी कि सोचने की जो शक्ति है उसका विकास होता है, तो वह उसे व्यवहारिक तौर पर भी व्यवहार में लाने की भी कोशिश करता है, जिससे कि व्यवहारिक ज्ञान की उसे प्राप्ति होती है। नेक्स्ट जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास। आप किसी भी चीज की अगर खोज करते हैं तो उसके आगे की उसके नेक्स्ट क्या होगा, उसके नेक्स्ट क्या होगा, इससे बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा होती है उसकी भावना का भी विकास होता है। नेक्स्ट है पूछताछ की प्रवृत्ति का संचार। जी हाँ, यह परीक्षा प्रतिमान का उद्देश्य ही यही था कि इससे बच्चों की जो पूछने की प्रक्रिया है उसका विस्तार हो सके। वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास। जब हम
खोज करते हैं, जब हम तथ्य करते हैं और वैज्ञानिक ढंग से हम पूछने के कौशल का विकास करते हैं, तो इससे क्या होता है, वैज्ञानिक जो अभिवृत्ति है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है मानसिक शक्ति का विकास। अब बच्चों का माइंड जो है वो इतने अच्छे तरीके से चलने लग जाता है, तो इससे मानसिक शक्ति का विकास तो होता ही है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार, लेकिन यहाँ पर ये बात भी आती है कि हर बालक जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, अलग होता है, अलग ही उसकी सोचने की शक्ति, मानसिक शक्ति का विकास उसका अलग अलग होता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार ही उन्हें विकास जो है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि सभी जो है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कार्य कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को अवसर। अब इसमें विद्यार्थियों को भरपूर अवसर दिया जाता है। अब इसके एक डिमेरिट है, इसका एक दोष है, और वो क्या दोष है, तो यहाँ छोटी कक्षाएं और मंदबुद्धि बालक, इनके लिए ये कम उपयोगी होता है, क्योंकि वो इसके लिए सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने आज हमने प्रक्षा प्रतिमान को, अब हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। लास्ट में हमें यह चीज समझ में आती है कि प्रक्षा प्रतिमान यानी कि पूछने की कौशल में बच्चों का विकास करना और अनुभवों के आधार पर साक्ष्यों का एकत्रीकरण करके बच्चों के जो मानसिक कौशल है उसका विकास करना, जिसके आधार पर बच्चों को अपने जो भी एक्सपीरियंस है और अवलोकन ऑब्जर्वेशन, इनके द्वारा वो कितना सही चीजों को कैच कर सकते हैं और कितना चीजों को देख सकते हैं कि ये चीज कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज सही है। तो इस तरीके से सामाजिक अध्ययन में हमें यह सिखाया जाता है कि सही और गलत की जो पहचान है वो वैज्ञानिक ढंग से किस तरीके से की जा सकती है। यही है प्रक्षा प्रतिमान और आनुभाविक साक्ष्य। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न कर लेते हैं, जिससे कि टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रक्षा पद्धति का प्रयोग प्रारंभिक रूप में किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया। तो हमने चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ लिया है, अब बताइए इसका अंतर क्या होगा, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित और मनोविज्ञान। तो जैसा कि हमने टॉपिक में ये चीज अच्छे से समझ ली थी कि प्रक्षा पद्धति का प्रयोग जो है वो प्रारंभिक रूप में भौतिक विज्ञान हेतु किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए जब हम टॉपिक समझ लेते हैं तो प्रश्न जो है उनको हल करना और ज्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रश्न दिखाए थे कि प्रश्न इस तरीके के पूछे जाते हैं, अब आपको ये बहुत इजी लगेंगे। प्रक्षा उपागम आधारित है सृजनात्मक अनुसंधान, सकारात्मक अनुसंधान, नकारात्मक अनुसंधान या उपर्युक्त सभी। तो बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो हमने जो टॉपिक में जो वर्ड यूज किए थे, जो हमने पढ़े थे, उसी को समझकर आपको आंसर टिक करना है। तो हमने देखा था कि प्रक्षा उपागम जो है वो सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, प्रक्षा पद्धति की विशेषता है, तो क्या विशेषता थी, यह सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। इस पद्धति में शिक्षक छात्रों को न्यूनतम निर्देश प्रदान करता है। थर्ड है, यह पद्धति समस्यात्मक परिस्थितियों में अधिक उपयोगी है और उपयुक्त सभी। तो हमने ये तीनों चीजें जो है वह हमने बातें प्रक्षा पद्धति की विशेषताओं में देखी थी। गुण, इसके जो हमने गुण हमने देखे थे तो वहां हमने ये चीज समझी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रक्षा उपागम का मूल उद्देश्य छात्रों में किस प्रकार के कौशल का विकास करना है। तो मैंने आपको समझाया था सकारात्मक कौशल, नकारात्मक कौशल, एक व दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रक्षा उपागम का मूल उद्देश्य ही यह होता है कि बच्चों में सकारात्मक कौशल का विकास हो सके। नेक्स्ट देखिए, पूछताछ विधि में यानी प्रक्षा प्रतिमान में ही छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है, बालकों में पूछताछ कौशल का विकास होता है, छात्र विषय संबंधी नवीन आयामों की खोज करने में सक्षम होते हैं या उपयुक्त सभी। तो हमने ये चीज पढ़ी थी पूछताछ विधि के अंतर्गत कि इससे जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है, पूछने के कौशल का विकास होता है और नई खोज है ये करने में बच्चे जो है वो सक्षम हो जाते हैं। तो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए, टॉपिक पढ़ने के बाद प्रश्नों को हल करना कितना आसान हो जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आएगा, प्रक्षा प्रतिमान का प्रवर्तन किसने किया था। तो बताइए, आर्मस्ट्रांग ने किया था, रिचर्ड सचमैन ने किया था, यहाँ रिचर्ड सचमैन होगा, जॉन ड्यूवी ने किया था या किलपैट्रिक ने किया था। तो इसका आंसर जो है वो तो आपको एक सेकेंड का टाइम
ये लगना चाहिए, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए कि प्रक्षा प्रतिमान का प्रतिपादन रिचर्ड सचमैन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं आनुभाविक साक्ष्यों व तथ्यों को एकत्रित करना और व्यवस्थित करना किस चरण में शामिल है। तो हमने आनुभाविक साक्ष्य के जो स्टेप देखे थे, चरण देखे थे, तब मैंने आपको ये चीज बताई थी, इस चीज पर फोकस भी कराया था कि तथ्यों को एकत्रित करना ये हमने परीक्षण में देखा था, अवलोकन, आगमन या निगमन किस चरण के अंतर्गत आता है। तो देखिए हमने जो अपना फर्स्ट स्टेप देखा था आनुभाविक साक्ष्यों का, फर्स्ट जो आपने चक्र में देखा था कौन सा चरण था, तो वो था आपका सबसे पहला सबसे फर्स्ट था आपका अवलोकन। ठीक है, अवलोकन के अंतर्गत सबसे पहले क्या किया जाता है, तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है आनुभाविक साक्ष्य के संबंध में सही तथ्य है, ये प्रयोग के निष्कर्षों एवं प्रेक्षणों पर आधारित होते हैं, ये प्रेक्षक के पूर्वाग्रहों व धारणाओं से प्रभावित नहीं होते हैं बशर्ते कि प्रयोग पर आधारित हो। ठीक है, अभी देखिए ये प्रेक्षक के पूर्वाग्रह और धारणाओं से प्रभावित नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, पूर्वाग्रह से प्रभावित तो नहीं होते हैं अगर इन्हें प्रयोगों पर आधारित किया जा सके, ये किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी ये तीनों जो है वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। नेक्स्ट है प्रक्षा पद्धति का प्रारंभ हुआ, तो आपको इसमें एक सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, 1962, 1966, 1965 या 1976। इसका सही उत्तर क्या है, 1962। नेक्स्ट देखिए प्रक्षा पद्धति का प्रथम चरण है, तो बताइए इनमें से प्रथम चरण कौन सा था। चरणों की बात हमने की थी जब मैंने आपको बताया था चरण जो है वो है फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ये आपको लाइन बाय लाइन याद होने चाहिए। तो हमें पता है कि प्रक्षा पद्धति का प्रथम चरण होता है सबसे पहले समस्या की पहचान करना और चयन करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने टॉपिक को समझा, प्रश्न भी हल किया, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाने वाला, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और आपका एक प्रश्न जो है वो यहाँ से पूछा ही जाएगा। इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।